गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, अतल का बताना है आपको बिलुम, तो बिलुम क्या हो जाएगा? बितल। ठीक है, आयात का निर्यात होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका डी। अब इसमें ये पूछ ले कि उपसर्ग कौन सा है, तो बी उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है अ, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, महादेव का पर्यायवाची बताना है, तो महादेव को क्या कहते हैं? शिव। ये याद हो, इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रमा है जिसके मस्तक पर, एक ही बात है, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, वह तेज दौड़ता है, तो काल बताना है, तो काल तीन प्रकार का होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं। दौड़ता है तो सामान्य बात है, अपूर्ण में आता है रहा, संदिग्ध में आता है होगा होगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट, लता का बहुवचन बताना है, तो एक चीज याद रखना, कभी भी बड़ा आ या ऊ आ जाए तो इसका बहुवचन बनता है ये, और कभी भी छोटा आ जाए तो इसका बहुवचन बनता है इस तरीके से, तो क्या बनेगा? लताएं। नेक्स्ट, ये कह रहा है स्त्रीलिंग बताना है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हो गया बताओ? सेना अच्छी है, और पुल्लिंग कौन सा हो गया बताओ? रूमाल, पक्षी, भालू। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, दही पुल्लिंग होता है, व्याकरण पुल्लिंग होता है, एकांकी पुल्लिंग होता है, ये तीन शब्द और याद रखना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, सोना एक अमूल्य नहीं बहुमूल्य आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? बहुमूल्य ए। नेक्स्ट, काठ मार जाना मतलब क्या होता है? स्तब्ध हो जाना, बेचैन रहना मतलब होता है करवट बदलना। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। मुहावरा क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द होता है, याद रखना, अरबी भाषा का कमल भी होता है, ये भी याद रखना। मुहावरा क्या होता है बताओ? पूरा वाक्य होता है नहीं, वाक्यांश होता है, ये भी याद रखना, वाक्यांश, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, कामकाज में कोरा होना मतलब इसे कहते हैं नोबिस, किसी भी चीज़ में काम न जानना। ठीक है, नेक्स्ट, करकत करत करत अभ्यास के जड़ में तोत सुजान, करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान, रसवी आवत जात के सिल पर परत निशान। नेक्स्ट, लड़का बस से सामान उतार रहा है, उतरा उतार रहा है मतलब अलगाव हो रहा है, अलगाव मतलब अपादान, घृणा के सेंस में भी क्या आता है? अपादान। कंपेयर के सेंस में भी क्या आता है? अपादान। शुरुआत के सेंस में भी क्या आता है? अपादान, ये सब याद रख। कर्ता के साथ क्या आता है? ने। करण के साथ आता है से, मगर ये जुड़ाव के सेंस में आता है। ठीक है, कारक कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, मगर तत्पुरुष समास में 6 का यूज करते हैं, कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा क्या? ए। नेक्स्ट, पीपर पात्र सरिस मंडोला, तो अलंकार बताना, अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामा, इसका अर्थ होता है आभूषण, ये याद रखो। सासी से सरिसम जैसा, जैसे किसमें आता है? उपमा में। रूपक में क्या आता है? अभेद आरोप। अब देखो, मन क्या है यहाँ? उपमेय। ये क्या है यहाँ पे? उपमान। और डोला क्या आ जाएगा? साधारण धर्म। सरिस क्या आ जाएगा बताओ? वाचक शब्द, ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। श्लेष में शब्द एक अर्थ अनेक, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, आंसर एक है ए। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। और इन्हीं के नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पांचवा बताओ क्या? वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, मृच्छ कटकम शब्द का संधि विच्छेद बताना, संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह, ये याद रख लो। मृच्छ दंत षटकम, शाह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मात्रा घट गई तो ये कट गया, और यहाँ शाह ही यहाँ पे भी गया, आंसर आ जाएगा सी। कौन सी संधि हो जाएगी बताओ? व्यंजन संधि, ए आंसर है सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, तो 10 या 20, 10-20, 10 या 20। द्वंद में क्या होता है? योजक चिन्ह तीन प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। ठीक है, एक तारा, ये बहुब्रीहि समास आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो द्विग नहीं है। जग परवीति, तो अव्ययीभाव नहीं है। रोगी की चर्या, तो बहुब्रीहि नहीं है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है शुद्ध कौन सा है, तो हथनी इस तरीके से लिखा जाता है, हथनी शुद्ध लिखना सीख लो, डी, डी में गड़बड़ है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताना है इसमें से पानी की कमी, आजकल पानी कमी, पानी बताना कौन सा वचन है, तो एक वचन होता है पानी। जनता भी क्या होता है? एक वचन, ये दो चीज याद रख लो कम से कम। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी याद रखो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। संज्ञा क्या होता है? लिंग की पहचान संज्ञा से होती है, ये याद रखना बस। नेक्स्ट, यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर वन है, पर अधिकरण मैपे पर, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, संबंध में क्या आता है? काकी के राधी रे, याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किसने किया? अभी नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। अभी बिरजू महाराज का निधन हो गया था, वो किससे रिलेटेड? कथक से। किस घराने से रिलेटेड? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी, और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो 1.28% की हिस्सेदारी के लिए 1 अरब रुपये का निवेश किया गूगल ने, किसमें? भारतीय एयरटेल में, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? किरण बेदी ने। अब ये कहाँ की राज्यपाल नहीं? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी तीन जगह है, माहे उसका सबसे छोटा जिला है, और ये इंडिया का भी सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में भी है थोड़ा सा हिस्सा, और इसका एक हिस्सा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश में याद रखना बोरा केव्स हैं। ठीक है, और बस।
आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया, तो ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। कितने पद्मश्री दिए गए इस बार? 107। पद्म पुरस्कार 1954 से दिए जा रहे हैं, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, 2022 में पहला योग महोत्सव किसने मनाया? तो ये सऊदी अरब ने मनाया। आंसर, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी देखो किस राज्य यूटी ने स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, स्पुतिक याद रखो, स्पुतिक याद रख लो, इससे काम चले। लद्दाख ने, लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया जाता है, और लोसंग का मनाया जाता है सिक्किम में, और सिक्किम में ही क्या बताओ, नाथुला दर्रा। मणिपुर में क्या है? संगाई उत्सव, और बस संगाई याद रखो, ठीक है। आंसर आ जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट, गेम्स 24/7 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है, तो कौन लॉन्च किया ये? ऋतिक रोशन। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो भी आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की औद्योगिक जो है वृद्धि दर कितनी होगी वो भी बताइए। 11.8, तो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं ना उद्योग में वृद्धि होने के लिए। 8 कैसे याद रखो? औद्योगिक ऐसे है ना, तो धावक को 8 बना लूँ ऐसे, 8 11.8। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81। सी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या किया है, इधर इधर इधर, एल इधर आ गया, एस इधर, ओ इधर, इसी तरीके ये, तो एन ओ सी, तो एन ओ सी किस में आ रहा है? शुरुआत में, यहाँ, और कहीं नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अब देखो पहले भाग और गुणा के चिन्ह को बदल के देखो, 3 - 36/9 गुणा 3 + 12, 9 × 36, 4 × 3 = 12, माइनस का 12 प्लस का 12 कट जाएगा, बच के जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, छोड़ो इस वाले को छोड़ दो, अभी बाद में बता देंगे। अब देखो 6 × 3 = 18 + 1 = 19, तो 21 × 84 + 1 = 85, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अभी बताना किसमें अंतर्निहित है, तो इसमें ये बन रही, ठीक है, डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि कुर्सी मेज रेफ्रिजरेटर का कैसे बनेगा बहन आ रहे, तो कुर्सी मेज रेफ्रिजरेटर अलग अलग बनेगा तीनों का, सी आएगा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो ये कैसे बनेगा, 13 × 78 - 6, 7 × 28 - 4, 11 × 99 - 90, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि ऑटो रिक्शा कार और डीजल, तो देखो कुछ ऑटो रिक्शा डीजल से चलते होंगे, कुछ कार भी डीजल से चलें, ये कार हो गई, ये ऑटो रिक्शा हो गया, बीच में डीजल आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है वेस्ट को 25 लिखा है, 5 है यहाँ तो 25, 6 हैं तो 36, यहाँ 10 हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, डी। नेक्स्ट, अब देखो कन्फर्म में कितने युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने वर्णमाला में, CONFIRM ये लिखो, ठीक है, CDEF, एक तो ये बनेगा और एक उल्टे में बनेगा एन और ओ, तो दो ही पेयर बनेंगे बस इसमें। नेक्स्ट, ये कह रहा है देखो 6 का क्यू + 6, 5 का क्यू + 5, 3 का क्यू + 3, ऐसे 4 का क्यू + 4, मतलब 68, 4 × 16 = 64 + 4। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक सुबह गौतम, सुबह गौतम और सौरभ चौराहे पर, देखो सुबह यहाँ से निकलेगा सूरज, ठीक है, ऐसे याद रख लो, छाया कहाँ बन रही? बाईं ओर, यहाँ पे बन रही है, एक ऊपर देख रहा हो एक नीचे देख रहा हो इनमें से, तो किसके बाईं ओर बन रही? सौरभ की छाया गौतम के बाईं ओर, इधर गौतम है, गौतम ऊपर देखेगा ना, तो इधर का बाईं आ जाएगा, सही है, सौरभ की तरफ देख रहा हो नीचे, मतलब इसमें, तो सौरभ की दिशा कौन सी? साउथ की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग लगाओ, कितना दिन बचेगा? 5, शनिवार में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, उनके दे रखे हैं कि शीर्षलम का अनुपात क्या होगा, तो सीधे 1/2 में कर दो, जो भुजा दे रखी हूँ वही शीर्षलम हो जाते हैं, ठीक है, अब एलसीएम लेके गुणा कर दो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, तीनों संख्या यही आ जाएंगी, 8 कट जाएगा, 13 × 15 बचेगा, यहाँ का बचेगा 8 × 15, यहाँ का बचेगा 15 × यहाँ बचेगा 13 × 8, तो 15 × 13 क्या आ जाएगा? 195, यहीं पर शुरू आते हैं, आंसर आ जाएगा ए। शीर्षलम याद रखना, जो भुजाएं होती है ना उसको बस 1/2 में लिख दो, वही हो जाती हैं। अब देखो ए बी बराबर ये दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, और ये बता रखा है समरूप है, तो भुजाओं का स्क्वायर ही क्या होता है? उसका एरिया होता है, एरिया पूछा है, तो 5 का स्क्वायर / 3 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा? 25/9, डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 3:2 में, 3:1 में, परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है? 2l + b, ठीक है, बराबर 96, 2 से काट दो 48, 3 और 1 क्या होगी? 4 की वैल्यू 48, तो 12 बार जा रहा है, तो 12 × 36, आंसर क्या आ जाएगा? 36। क्या पूछा था? लंबाई, लंबाई तो दी 3, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे 16 और 12, समचतुर्भुज बनाओ इस तरीके से बनेगा थोड़ा, ठीक है, अब 16 विकर्ण दे रखा है तो आधा के जाओ 8, 12 दे रखा है तो 6, और ये क्या आ जाएगी? 10, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है ना वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, आंसर क्या आ जाएगा? 10 ही है, तो 10 ही है, 10 ही है, 10 ही है, तो ये पूछ रहा था इसकी परिधि बताओ, मतलब क्या इसका पैरामीटर, पैरामीटर क्या आ जाएगा? 40, 10 × 40। नेक्स्ट,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है दो, तो इसको एक मान लो, एक्स बराबर एक मान लो, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दो ए। नेक्स्ट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सम संख्या आने की, एक पासे को उछाला जाए, तो एक पासे में कितनी संख्या होती है, छः। सम संख्या कितनी होती है, दो चार और छः, तीन होती है, तो तीन बटे छः, तो मतलब एक बटे दो, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये दे रखा है खेत की भुजाएं दे रखी 12, 5 और 13 में, 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट, तो क्या है बताओ, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, दो रुपये के हिसाब से क्या लागत आएगी, तो समकोण का क्या होता है फॉर्मूला, एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, तो 5 × 12 और दो रुपये के हिसाब से उसमें बीज बोना है, तो मतलब दो का गुणा, दो से दो कट जाएगा 12×5 = 60, 60 रुपये का आएगा खर्चा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है 144, बाह्य कोण तो भुजाएं बतानी उसकी, अब देखो बाह्य कोण निकालो पहले, तो उससे 180 में से घटाओ 144, तो मतलब क्या आ जाएगा 36, तो कभी भुजाएं बतानी हो तो 360 में जो बाह्य कोण हो कितना है 36, इससे भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी 13√2, वर्ग का विकर्ण क्या होता है एक ए √2, इसकी वैल्यू 13√2, तो दो से दो गया तो ए बराबर 13। अभी कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ का भी स्क्वायर कर दो, तो मतलब क्या आ जाएगा 169 बी। नेक्स्ट अभी कह रहा है संपूरक क्या होगा, संपूरक के लिए क्या करते हैं बताओ, 180 में से घटा देते हैं, 180 में से घटाओ 154 और 30, 30 करने के लिए हमें क्या होना, एक इसमें से निकालना पड़ेगा ना, एक निकालने का मतलब होता है, एक डिग्री निकालने का मतलब होता है 60 मिनट, तो देखो 169 और यहाँ आ जाएगा 60, 154 और 30, तो यहाँ तो 30 बचे जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ 2, 25.30 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा ये क्या होता है मिनट, और 2 आ जाता है तो मतलब क्या होता है सेकंड, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब देखो दो संख्याएं का अनुपात दे रखा है 4:5 और 6:7 हो जाती हैं 6 जोड़ने पर, हम यहाँ क्या जोड़ रहे हैं 2, 2 की वैल्यू दे रखी 6, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अभी कह रहे हैं मूल संख्या क्या थी 4 और 5, तो ये पूछा सबसे छोटी मूल संख्या में ये छोटी है, तो 4 × 3 = 12, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि देखो 2000 रुपये का 1 पैसे प्रति रुपये माह की दर से 4 वर्ष का ब्याज, अब देखो 1 पैसे दे रहा है 1 माह में, तो 12 माह में 12 पैसे, तो 12% का ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 12 × 4 = 48, तो 2000 का 48% कितना आ जाएगा 960, कैसे 48 × 96, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना, ये 3 गुना है तो इधर 3 से कर दो, तो 25 × 50, तो ये क्या आ जाएगा 6, एक्स बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा 6/1, आंसर आ जाएगा 6:1 सी। नेक्स्ट अब इसका वर्गानुपात पूछना है, तो 15 × 225, 12 × 44, आंसर आ जाएगा 144 सी। नेक्स्ट 60 रुपये की किताब खरीदी 90 की बेची, तो 60 रुपये कितने का फायदा हो गया 30 का, तो ये कट गया 1/2, 1/2 कितना होता है 50% सी। नेक्स्ट अभी कह रहा है 5.6 पर 12, तो 5 + 6/9 लिख सकते हैं, जो 12 होता है ना उसे हटाओ, 9 लिख दो उसके नीचे, तो इसको सॉल्व करो 9×5 = 4,651/9 सी। नेक्स्ट अभी कह रहा है एक दुकानदार के पास 50 लीटर का तेल है और क्या है 35 लीटर तेल है, तो ये कह रहा है अधिकतम कितने लीटर की धारिता वाला कंटेनर भर, इस तरीके से आए ना, तो HCF निकाल लो, HCF क्या होगा ऑप्शन से ही देख लो, 15 से 50 कटेगा नहीं, 35 से 50 कटेगा नहीं, 10 से 35 कटेगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा सी। और कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस लो कितना आ जाएगा 15 आ रहा है, तो अब या तो 15 से आएगा HCF या 15 का क्या आ जाएगा गुणनफल, गुणनखंड, तो 5 आ सकता है या 15, तो आंसर आ जाएगा क्या बी 5, 15 क्यों नहीं आया, 15 से 35 नहीं कट रहा और 50 भी नहीं कट रहा, ऐसे देखो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है दो संख्याएं का महत्तम समापवर्तक 20 और 400 दे रखा है, पहली संख्या दे रखी 80, तो गुणा कर दो दूसरी संख्या आ जाती है, तो 0 से 0 गया 8×5 = 40, 20×5 = 100 सी आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 6 × 12 गुणज, तो 6 × 12 = 18, 6×4 = 24, इस तरीके से आ जाएगा, तो 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से बचा जाएगा डॉट 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 12 तक, ठीक है, तो 6 इधर है, 1 से लेकर 12 तक का योग क्या होता है n×n+1/2, तो गुणा कर दो 12×13/2, 2 × 12, तो 13 × 6 क्या होता है 13×5 = 63, 78 × 6 करो 8×6 = 48, 7×42 = 46, तो क्या 468 बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो द मच हार्डर पार्ट ऑफ एनी ऑफ यू हु ट्राइड इट नाउ, देखो कभी भी ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, हु से पहले जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग आती है, तो हैज नहीं आएगा, यू हु के जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु से पहले क्या आ रहा है यू, यू के अकॉर्डिंग आएगी, तो मतलब हैव आना चाहिए, तो हैज नहीं आएगा, बी में दिक्कत है। नेक्स्ट ये कह रहा है ड्यू टू डैश कैपिटल मार्केट द प्राइस ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी फोरकास्ट, कैपिटल मार्केट क्या है नाउन, नाउन से पहले क्या आना चाहिए बताओ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा है इसमें सर्टेनली, ये क्या है एडवर्ब, सर्टेनिटी ये क्या है नाउन, सर्टेन क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी,
तो इसका क्या बोला, सिमिलर पूछ रहा है, अगर इसका विपरीत पूछता तो हो जाता पैसिविज्म, तो ये तो हो नहीं सकता, ये निराशावादी होता है। इंश्योरेंस बीमा होता है, निलेजम होता है शून्यवाद, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट अभी पूछ रहा है गई थी, अब देखो गई थी किसके साथ, एक्स के साथ, ऐसे याद रखा है मैंने, तो उसे क्या हुआ, उल्लास, तो इन दोनों का अर्थ होता है उल्लास, ठीक है। ग्लूम, ग्लू लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप थोड़े से उदास हो जाओगे, तो ग्लूम का मतलब होता है उदास। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, तो ग्रीवेंस की स्पेलिंग देख लेना, बहुत बार आई, जी आर आई ई वी ए एन सी, वेंस तो ऐसे याद रखो, ग्रीवी याद हो, ई याद रखना, इसमें ई आती है। आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेविटी का, गाईटी का, गाईटी का आ जाएगा एक्सुलटेंसी, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो इसका एक्ट पैसे पूछ रहा है, इज, कभी भी इज का पैसे बनाना हो तो इज बींग बनता है, वॉज का वॉज बींग, वर का वर बींग, ठीक है। कैप कीपिंग का क्या बन जाएगा, कैप्ट, तो इज बींग कैप्ट आना चाहिए, तो इज बींग कैप्ट यहाँ है, नहीं है, यहाँ है नहीं है, ये दे रखा बस, आंसर आ जाएगा सी। कीपिंग दे रखा था तो वैसे ही काट देते, थर्ड फॉर्म आएगी, कैप्ट यहाँ है, कैप्ट यहाँ है, तो कीप्स दे रखा है वैसे काट देते, इज बींग यहाँ है नहीं, ऐसे काट देते, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अभी कह रहा है, द ज्वेलर सेड टू अस दे दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड हियर, तो देखो आर किस में बदल जाएगा, ये क्या है बताओ, ये है डायरेक्ट ना, तो आर बदल जाएगा किस में, वॉज या वर में, वैसे वर में बदलेगा डायमंड से, ठीक है, तो वर, वर सब में आ रहा है, एक दो तीन सब में आ रहा है वर। हियर किस में बदल जाएगा, देयर में, तो देखो हियर हियर तो ये हो जाएगा या ये होगा। अब दीज किस में बदल जाएगा, दोज में, तो दीज नहीं, आंसर आ जाएगा बी, ऐसे निकालते हैं इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है, टू क्लिप वंस विंग्स, विंग्स क्या होते हैं, पंख, क्लिप मतलब क्या होता है, कभी कपड़े पे चिमटी लगाने वाली देखी हुई, कभी भी किसी के चिमटी लगा दोगे पंख पे तो क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है, क्लोवन हूफ, क्लोवन हूफ क्या होता है, जैसे कुछ दोस्त होते हैं, दोस्त क्या करते हैं, पार्टी में ले गए, पार्टी में उन्होंने उन्हें ड्रिंक पिलाई, ड्रिंक में उन्होंने मिला दिया एल्कोहल, कर देते हैं ना ये काम, तो ईविल इंटेंशन मतलब गलत इंटेंशन, गलत इरादा, क्लूब हुप्स का, क्लोवन हुप्स मतलब ईविल इंटेंशन, क्लोवन और हुप ईविल इंटेंशन, ऐसे याद रखो, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है, डिस्पाइट द ग्रिम फॉरकास्ट द नंबर ऑफ डेट्स, कभी भी द नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, सिंगुलर आती है वर्ब, ठीक है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आती है, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आती है वर्ब, तो यहाँ क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वॉज, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है, ट्रू द पीपल मे सेफली बी ट्रस्टेड टू हियर एवरीथिंग, ट्रू और फॉल्स, हियर क्या बताओ यार, सेंसेशनल वर्ब, जितनी भी सेंसेशनल वर्ब होती हैं उनके साथ क्या आता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, उन्हें एडवर्ब नहीं आता, तो ये क्या ट्रूली एडवर्ब, ये फॉल्सली एडवर्ब, और ट्रुथ क्या हो जाएगा, ये तो नाउन हो जाएगा, नहीं आएगा, तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। याद रखना जितनी भी सेंसेशनल वर्ब होती है उनके साथ एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, उन्हें एडवर्ब नहीं। नेक्स्ट अभी कह रहे हैं, डेड बॉडी को कॉज पता करना, तो उसे कहते हैं ऑटोप्सी करना। बायोप्सी क्या होती है, किसी आपको कोई बीमारी है तो आपका एक टिश्यू निकाल लेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ऑटोप्सी मरे हुए आदमी की होती है, जिंदगी होती है, ये याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट अब करेक्ट शब्द बताना है, तो सर सो जाऊं, सोजोर्न होता है, सोजोर्न, सोजोर्न, अब सोजोर्न क्या होता है, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना, मतलब कभी परिक्रमा लगाने गए 48 कोस की, तो उसमें 10 कोस के बाद सोजोर्न, थोड़ी देर सो जाऊं, टेम्परेरी स्लीप होती है, टेम्परेरी स्टे, ऐसे मान लो टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए रुकना, सोजोर्न, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट मिस्टीरियस की स्पेलिंग क्या होगी, एम वाई से बनती है, तो ये दोनों काट दो, टीरियस, टी ई आर आई, यू नहीं आएगा, एम वाई एस टी ई आर आई ओ यू एस सी। वैक्यूम की याद होगी, वी ए सी डब्ल्यू एम, ठीक है, एक तो ये याद रखो, पबीलियन याद रखो, पबी लियन, ठीक है, गुरेला याद रखो, जी यू ई डबल आर आई डबल एल ए, ठीक है, ये तीन याद रखो, आंसर आ जाएगा सी। इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ अच्छे लगे शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और बताना कि सीडीपी की वीडियो आपको कैसी लग रही है, और थोड़ा शेयर वेयर करो, सपोर्ट करो, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।